आज रंगों की विशेषता आपको बताने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कलर की जानकारी देगा। कलर का आधार गृह मंत्रिमंडल भी है और कलर का आधार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी है, तो चर्चा करूँगी इसी पर। मैं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में। आशा करती हूँ प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। परमात्मा आपको इसी तरह की खुशियाँ देता रहे। मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ। 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ, लाखों लोगों को परामर्श दे चुकी हूँ। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है, तो परामर्श का लाभ ज़रूर उठाएँ। इसके अलावा हमारे घर में रेकी हीलिंग भी होती है, जो कि मेरे हस्बैंड करते हैं, और एंजल हीलिंग भी होती है और लामा फेरा भी होता है। तो ये परामर्श आप ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए मित्रों, और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके और आपको फ़ायदा मिल सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कलर पहले लेते हैं रेड कलर। रेड कलर ग्रह मंत्रिमंडल में मंगल ग्रह का है। ये मेष और वृश्चिक राशि का कलर है, जो इन राशियों को एग्रेसिव बनाता है। हालांकि दोनों राशियों में बहुत भेद है, और एक वृश्चिक इमोशनल ज़्यादा है और मेष एग्रेसिव ज़्यादा है। लाल रंग शक्ति का भी सूचक है, लाल रंग अहंकार का भी सूचक है, लाल रंग सुहाग का भी सूचक है, लाल रंग देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से काम में आता है, लाल रंग मूलाधार चक्र का है, और लाल रंग लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष महत्व का है। लक्ष्मी जी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। लाल रंग का पुष्प किसी भी देवियों को चढ़ाया जाए, जैसे दुर्गा माता हैं या लक्ष्मी जी हैं, उनको चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा धन का आगमन होता है और मुराद पूरी होती है। भगवा कलर, ये सूर्य का कलर है, ये हमें एनर्जी देता है। भगवा कलर अगर आप इमेजिनेशन में लाएं तो आपको एनर्जी और पॉजिटिव स्पिरिट प्राप्त होती है। भगवा कलर आत्मविश्वास लाता है। भगवा कलर हमारे मान सम्मान का द्योतक है। नीला कलर, भगवा कलर सिंह राशि को इंगित करता है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इस राशि के लोग आत्मविश्वासी होते हैं। सॉरी, नीला रंग पहले बोल गई, अब नीले रंग पे आती हूँ। तो नीला रंग मकर राशि का है, कुंभ राशि का है, और नीला रंग ज्योतिषीय मंत्रिमंडल में राहु देव का है। ये जोड़ तोड़ का कारक है, लेकिन हमारे मन को संतुलित करता है और एक असीम शांति भी प्राप्त करता है, मतलब देता है। काला रंग बेसिकली शनि देव का है, और शनि देव न्याय के कारक हैं, और मकर और कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। ये अंधेरे का कारक है, और एक तरह से ये निराशा और दुख को भी प्रकट करता है, लेकिन कलर थेरेपी में ये बहुत काम का है। और कलर थेरेपी मतलब जैसे कि हाथों में डॉट लगाना, इस रंग से बहुत ज़्यादा बीमारियों को दूर करने वाला है। तो इस एंगल से भी देखना चाहिए, और ये बहुत ही लाभदायक होता है। पीला रंग बृहस्पति का है, धनु और मीन राशियों का भी है। ये बृहस्पति का कलर है, और बृहस्पति की पूजा में इनका विशेष महत्व है। ये हल्दी और केसर का भी रंग है, और हमारे अगर हम थर्ड आई पे मतलब पीला रंग लगाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पीले रंग के फल जैसे पपीता, संतरा,
ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैरून कलर, मैरून कलर अगर थेरेपी में देखें तो ये लामा फेरा का कलर, लामा फेरा के गाउन का कलर है, और लामा फेरा का गाउन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये बुद्धा का भी कलर है, बुद्धा का कलर है, ये मैजिक उत्पन्न करता है। और मैरून कलर वैसे भी बहुत सोबर कलर में गिना जाता है। हरा कलर, हरा कलर मिथुन और कन्या राशि का है और ग्रहीय मंत्रिमंडल में बुध ग्रह का कलर है, ये व्यापार का भी कारक है। हरा रंग पहनने वाले बहुत ज़्यादा अच्छे व्यापारी होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।